केड़े खाब सजा बैठा। अभी के अभी मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। इस घर में सब अंधे बहरे हैं क्या? दूसरों की गलतियां क्यों नहीं नजर आती उन्हें? सिर्फ मेरी ही क्यों नजर आती है? आपको नजर नहीं आ रहा कि उन दोनों का रिलेशनशिप है, उनके बीच में ताल्लुकात है, अफेयर चल रहा है उनका, आपको नहीं दिखाई दे रहा? दिल ते मेरा कमला होया जाने केड़े खाब सजा बैठा। अच्छा वो सुनो तो। हाँ, तो तुम बातें सुनाई नहीं देती। बड़ा वाला बक्सा कहाँ है तुम्हारा? वो मैंने गाड़ी में रखवा दिया। तो उसमें ये भी तो रखना था। ठीक है, बेसन के लड्डू देसी घी से बनाए मैंने, बासित को देना। इस सिचुएशन में बासित लड्डू नहीं खाएगा। किस सिचुएशन? तुम फिर छुपा रहे हो मुझसे कुछ? मैं कुछ भी नहीं छुपा रहा हूँ, तुम बात की खाल नहीं निकाला करो। अच्छा चलो ये तो रख लो, दे देना उसको। मैं मुझे देर हो रही है, मैं जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना ठीक है? अच्छा पहुँचते ही फोन कर देना। हाँ सही है, ठीक है ठीक है। समरीन को भेज दो। समरीन बीबी तो रोहान भाई और बड़ी बीबी के साथ अपने घर चली गई। चले गए? जाओ। मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। यार अगर निम्रा और बासित के बारे में कोई बात है तो मुझे नहीं करनी। लेकिन बेटा मैं बुढ़ा घोड़ा लाल लगाम, बोलने से पहले सोच तो लेता। बेटी की उम्र की है निम्रा और उससे शादी रचाने चला है। ऐसे खड़े कर लूं मैं शीजा से तो जान छूट गई इन सब जमीलों से। निम्रा बेटी मेरे कपड़े तो इस्त्री कर दो। क्यों भाई, मना कर दिया लड़की वालों ने? इतनी हिम्मत नहीं है उसकी। किसकी? लड़की के बाप की। क्यों, क्या वो भी तेरा कर्जदार है? ऐसे ही समझ लिया, मानना तो पड़ेगा। देखो शादी ऐसे धोस से और जोर जबरदस्ती से नहीं की जा। अबे चुप कर, पता तुझे कुछ है नहीं, समझाने चला मुझे। मेरी मानो तो अपनी शादी के बजाय अपनी बेटी की। खामोश, आइंदा अपनी जुबान पे अगर मेरी बेटी का जिक्र लाया ना, जुबान गुद्दी से खींच लूंगा। अपनी बेटी पर बात आई तो जुबान गुद्दी से खींचने पर उतर आए, और दूसरे की बेटी के बाप पर जोर जबरदस्ती। वाह ये सही है। अबे जा जा, बड़ा आया मुझे सही गलत समझाने। जी जी सर। हाँ नहीं नहीं थैंक यू, वो मुझे भी यहाँ प्रॉब्लम हो रही थी काफी, तो अब आसानी हो गई। ठीक है सर, थैंक यू। क्या वो? नहीं वो एक मीटिंग थी इस्लामाबाद में, यहाँ प्रॉब्लम हो रही थी इसलिए मैंने मना कर दिया कि मैं नहीं जा सकता। अच्छा किया,
आजकल वैसे भी मुझे और समरीन को तुम्हारी ज्यादा जरूरत है। वैसे भी तुम्हें समरीन को डॉक्टर के यहाँ भी लेके जाना है आज। नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक तो हो, और अल्लाह मियाँ तुम्हें ठीक रखे। रूटीन चेकअप के लिए जाना था ना आज। हाँ, वो तो हम भूल ही गए। देखो मुझे याद है। अच्छा खाना क्या खाओगे? खाना क्या, कुछ भी खा लेंगे। कुछ भी से मतलब? कुछ भी क्यों भाई, तुम बताओ समरीन क्या दिल चाह रहा है तुम्हारा? पुलाव, कबाब, रायता बना लीजिएगा। चलो जल्दी से होकर आओ, फिर साथ खाना खाएंगे। चलो जी। सलीम को देखा है तुमने? घर पे भी नहीं है, ढाबे पे भी नहीं मिला। पता नहीं चाचा, सुबह से नजर नहीं आया। अबे यार, वैसे ही दिन खराब कर ला, ऊपर से तेरी शक्ल देख ली तो समझो गई भैंस पानी में। तुझे चल क्या रहा है ये? क्या मतलब क्या चल रहा है? कभी सलीम तुम्हारे घर जाता है, कभी तुम उसका पूछने चले आते हो। तो तुझसे मतलब? यही तो मसला है चाचा, बिना मतलब तो तुम अपना बुखार भी किसी को ना दो, इसलिए परेशानी हो रही है। अबे मैं सलीम का पूछूं या अर्शद का, तुझसे मतलब? अपने चाचा की टो में लगे रहने से बेहतर अपने काम से काम रखा कर। तुम्हारी तरह बेहिस और मतलब ही नहीं हूँ ना मैं, दिल में एहसास है। बड़ी बातें बनानी आ गई है तुझे। चाचा मान लो, जिद छोड़ो, छोड़ो निमरा को उसके बाप के घर, तुमसे उसकी जिम्मेदारी नहीं संभाली जाएगी। अबे मैं उसका बाप हूँ, मैं उसकी जिम्मेदारी नहीं संभालूंगा तो क्या तू संभालेगा? चाहो तो संभाल सकता हूँ। मतलब क्या है तेरा? शादी करना चाहता हूँ निमरा से। दिमाग ठीक है? हाँ? लग तो नहीं रहा। शादी करेंगे? अबे पैसे है तेरे पास है? क्या है तेरे पास? इज्जत। इज्जत का मैंने अचार डालना है? अबे मैं अपनी बेटी की शादी किसी पैसे वाले से करूंगा, तो जैसे रक्षे वाले से नहीं, बड़ा आया शादी करेगा। करे नंबर तो खुल गया। हाँ हेलो सलीम, यार बात करनी है तुझसे। कहाँ है तू? अच्छा मैं आ रहा हूं। फोन क्यों नहीं उठा रहा? हेलो, हाँ मैं पहुंच गया हूँ। मेरे फोन करने पे याद आया तुम्हें बताना। अच्छा बोलो क्या हुआ? बासी से बात हुई है तुम्हारी? नहीं अभी वो गया हुआ है कहीं। ये क्या बात हुई? क्या बता बता के नहीं गए थे तुम उसे? नहीं उसे पता था, मगर अब वो काम छोड़ के मेरी वजह से घर पे तो नहीं बैठ जाएगा ना। अरे भाई और कुछ नहीं, कम से कम तुम्हें एयरपोर्ट लेने ही आ जाता। ये रिवायती बातें भाइयों में नहीं चलती, इसको मैंने बता दिया वो आ रहा है, वैसे भी अभी मेरे पास है।
हैं? ये चाबी कब दी है उसने तुम्हें? अरे जब आ रहे थे तब दी है चाबी। अब किस वक्त दी है, कहाँ दी है, अब ये इस, मेरे पास अब टाइम नहीं है। ठीक है, ओके, खुदा हाफिज़। फोन ही काट दिया मेरा, बात ही नहीं सुनता कभी। मजा खराब कर दिया फल का भी। मैंने आपको सारी डिटेल्स ईमेल कर दी है, अगर आपको मेरी जरूरत पड़े तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। आप कहीं जा रहे हैं सर? जी मैं जा रहा हूँ। तो बॉस तो यहाँ पर आते रहेंगे सर? हाँ, पर मैं नहीं चाहता था उन पर बर्डन हो काम का, इसलिए आपको सब कुछ बता दिया मैंने। आप बेफिक्र रहें सर, मैं ऑफिस का काम जिम्मेदारी से संभालूंगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। क्लोज द डोर। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी मुंह उठा के ऑफिस आ गए? अपनी मर्जी से नहीं आया, सर के कहने की वजह से आया। और वैसे तुम्हारा भी घर से निकलना बनता नहीं था। ओ प्लीज, मुझसे सवाल जवाब करने का हक तुम खो चुके हो। पहले कौन सा हक दिया था मुझे जो खो चुका? तुमने तो अपना इख्तियार इस्तेमाल कर लिया ना, बहुत गलत किया, लेकिन खुद के साथ कभी माफ नहीं करूंगी तुम्हें। ये सब तुम्हारे दिमाग के खनास है और कुछ नहीं। अपना सामान उठाओ और निकलो इस ऑफिस से। यू आर नॉट अलाउड हियर एनीमोर। जानता था तुम कुछ ऐसा ही कहोगी। और तुम्हारी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि ये जॉब मैं पहले ही छोड़ चुका हूं और सर को बता भी चुका हूं। अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो। मेरी तस्वीर तुम्हारे वॉलेट में क्या कर रही है? थी, अब नहीं है। ये ले बाबा। अरे वाह वाह वाह, तुम तो पुराने कपड़ों में जान डाल देती हो। कितने अच्छे साफ धोकर इस्त्री करके लाई हो, लग ही नहीं रहा है पुराने कपड़े। अब जब पैसे आएंगे आपके पास तो कपड़े ले लीजिएगा नए। हाँ हाँ, जरूर ले लूंगा। बाबा। हाँ बेटा, बोलो बेटा, जो भी बात है खुलकर बोलो। मैं घर जाना चाह रही हूँ अब्बू से मिलने के लिए। नहीं नहीं, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। तुम दरवाजे के बाहर कदम नहीं रखोगी। तुम नहीं जानती बेटी, तुम में तो तुम्हारे बाबा की जान है। सालों बाद तो बेटी मिली है, मैं उसे एक मिनट के लिए भी अपने से दूर नहीं कर सकता। नहीं नहीं, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। मैं वापस आ जाऊंगी, सिर्फ माफी मांगनी है अब्बू से। तुम क्या समझती हो, जिस तरह बगैर बताए तुम यहाँ आई हो
तुम वापस जाओगी तो वो तुम्हें माफ कर देंगे, सीने से लगा लेंगे। कभी भी नहीं, वो जुनूनी आदमी तुम्हें मार डालेगा। अब्बू ऐसे नहीं है। मेरी मासूम बेटी, तू नहीं जानती, मैंने दुनिया देखी है, तुमने नहीं देखी। मैं जानता हूँ इन बड़े बड़े लोगों के अंदर क्या क्या ड्रामे चल रहे होते हैं। ये सबके सामने तुझे गले लगा लेंगे लेकिन पीछे मरवा डालेंगे। नहीं नहीं नहीं, मैं तुझे नहीं छोड़ सकता। वादा कर मुझसे कि मुझे छोड़ कर नहीं जाएगी, मुझे छोड़ कर नहीं जाएगी, तू वादा कर। मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जा रही, मैं यही हूँ आपके पास। मुझे तो पहले ही पता था तुम्हारा और उसका कोई जोड़ ही नहीं था। उनके एक एहसान के बदले तुमने जो उन पर मेहरबानी की है, वो लोग समझने वाले नहीं थे। खैर सब अच्छे इंसान हैं, अभी भी चाहते हैं मुझे, ऐसी बात नहीं। देखो वासित, तुम्हें तुफैल साहब के साथ नहीं, शिजा के साथ जिंदगी गुजारनी थी, क्योंकि पहले दिन से नजर नहीं आ रही थी। वो नाराज है अपनी बेटी से। बस जो भी हो, तुम अब उस ऑफिस में कदम नहीं रखना, ठीक है? आज आखिरी दिन था, दोबारा नहीं जाऊंगा। देखो पहले तो वो लोग तुम्हारे साथ थे, इसलिए मैं तुम्हें छोड़कर चला गया था। अगर अब मैं तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकता हूं? मेरे साथ क्यों नहीं चलते? वहां मेरा काम बहुत अच्छा है, हम लोग सेट हो गए। तुम मेरे साथ जुड़ जाओगे तो हम दोनों भाई मिलके बहुत तरक्की करेंगे, है ना? चलो मेरे साथ प्लीज। सच पूछे भाई तो मेरा भी ना दिल उठ गया इस शहर से, जाना चाहता हूँ मैं। मुझे आप 2 दिन दे दें, मैं करीबी दोस्तों से मिल लूँ, उसके बाद चलूंगा आपके साथ। ठीक है ठीक है। भाभी कैसी? भाभी ठीक है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम दोनों का रास्ता साफ हो गया? केस करने वाली हूँ मैं तुम पे, पता है तुम्हें? किस बात पर केस करूँगी? 100 बहाने हैं मेरे पास, कोई एक तो जाके निशाने पे लगेगा। मेरी जिंदगी इन्हीं झूठ और बहानों पर गुजरी है और आइंदा भी ऐसे ही गुजरेगी। ये तो वक्त बताएगा कि किसकी जिंदगी कितनी खराब गुजरती। सर गई नहीं, भिजवाया गया है। क्या मतलब है तुम्हारा? सर पूछे इससे, निमरा की अलमारी में लेटर लिखकर किसने रखा था, उसके किरदार पर कीचड़ किसने उछाला है? अभी के अभी मैं तुम्हें तलाक देता हूं, तलाक देता हूं, तलाक देता हूं। तुम पागल तो नहीं हो? इस्तेमाल कर रहे हैं वो लोग तुम्हें, तुम क्यों उनके हाथों इस्तेमाल हो रही हो, कठपुतली बनकर नाची जा रही हो? उठो, हिम्मत करो और जाके कहो कि मेरी बहन की तबीयत ठीक नहीं है, मैं उसे इस हालत में छोड़ के नहीं आ सकती। तुम पागल हो गई हो,
मैं ये सब कुछ नहीं कह सकती, जा रही हूँ यहाँ से। आधे घंटे में तुम्हारे गेट पर पहुंच रहा हूँ, पैसे तैयार रखना। एक रुपया भी नहीं है मेरे पास तुम्हें देने के लिए, और अगर यहाँ आए ना तो अपनी टांगों पे चल के वापस नहीं जाओगे। तुम जानती नहीं हो मुझे, मैं निम्रा को वापस भिजवा सकता हूँ। भेजो, मैं तो चाहती हूँ कि वो यहाँ आए और अपने हाथों से मारूं मैं उसे। देखो पैसे तो मैं अपने निकलवा के रहूंगा, जानती नहीं हो तुम मुझे, मैं वाकई सच बता रहा हूँ निम्रा को। और तुम्हारी बेटी, इस अमीरजादी ने जो कहा है वो तो करके रहेगी। ये तो अब मेरे गले की हड्डी बन गई है, ना बिठा के खिला सकता हूं ना नखरे उठा सकता हूं, अरे तो फिर क्या करूं। जी फरमाएं, क्यों बुलाया आपने? मैं आखिरी बार तुम्हारी मिन्नत करने आया, एक बार मुझे निम्रा से मिलवा दो। उस दिन अल्लाह की मेहरबानी से चाचा घर पर नहीं थे और निम्रा से मुलाकात हो गई। आप समझ नहीं रहे बात को, चाचा ना आपका लिहाज करेंगे ना निम्रा का, बस मुझे मारना शुरू कर देंगे। असल में हमेशा के लिए शहर से जा रहा हूँ, एक बार निम्रा से मिलना चाहता हूँ। क्या आप हमेशा के लिए जा रहे हैं? कारोबार के सिलसिले में जा रहा। आपकी बीवी और घर वाले? बीवी और घर वाले यही, बस पैसा प्लीज पैसा। आप ऐसा क्यों नहीं करते, आप खुद चले जाए ना वहाँ पे, चाचा आपको कुछ नहीं कह सकेंगे और निम्रा भी आपकी इज्जत करती है, चाचा को आपकी बेइज्जती नहीं करने देगी। हाँ भाई, क्यों बुलाया था? मैंने तुम्हें इसलिए बुलवाया है कि मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूँ। तू तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मैं तो तेरे और इज्जत कर रहा हूँ। पहले मेरी पूरी बात तो सुन ले। अरे हाँ हाँ समझ गया, अब मैं तुझसे पैसा नहीं मांगूंगा। मांगने की बात नहीं है, तुझे पैसे और भी देने होंगे। क्या? हाँ हाँ। और कितने? 10 लाख और। 10 लाख? हाँ, बेटी देखी है मेरी, अपने आप को देखा है बुड्ढे? पहले बासित और अब आप। क्या करूं, भले सतेली ही सही है तो मेरी बहन ही ना, मुझे बहुत फिक्र है उसकी। बासित भी यही चाहता था ना कि तुम उससे मिलवाओ। तुम प्लीज मुझे इनकार मत करना, मैं बहुत उम्मीदें लेके आई हूँ तुम्हारे पास। ठीक है ले चलता हूँ आपको, लेकिन
मैं आपको घर दिखाकर वापस आ जाऊं, अंदर नहीं जाऊंगा आपके साथ। तुम मुझे बस पता बता दो, मैं खुद चले जाऊंगी। बाबा चाय? नहीं पीनी मुझे चाय। क्या हुआ है आपको? आप जब से वापस आए परेशान लग रहे हैं। कहीं उस बदतमीज आदमी ने फिर से झगड़ा तो नहीं किया आपके साथ? अरे नहीं नहीं, मैंने उसे पुलिस की धमकी दी तो डर गया, मेरे पैसे देने पर राजी हो गया वो। बाबा वो मुझे बहुत खतरनाक लगता है। हाँ प्लीज उससे उलझिएगा नहीं, अगर उसने आपको नुकसान पहुंचा दिया तो। अरे मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, मेरी फिक्र मत किया कर, बस अपना ख्याल रखा कर। जाके घर समेट, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं थोड़ी देर सोऊंगा। जी ठीक है। और ये पंखा चला देना। कौन तुम यहाँ? शक तो मुझे हमेशा से था कि तुम बहुत घटिया हो, लेकिन आज यकीन भी आ गया। वाह, दो दिन भी अपने झूठ का मान नहीं रख सके, आ गए फौरन इसके पीछे। जितनी बकवास करनी है ना कर लो, लेकिन आज के बाद मैं निमरा पे कोई ज्यादती बर्दाश्त नहीं करूंगा। कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते तुम मेरा, तुम दोनों की जिंदगी बर्बाद करके दिखाऊंगी मैं। मैं अपने घर आ गई हूँ, मेरा आप लोगों से कोई ताल्लुक नहीं है। प्लीज आप लोग अपनी जिंदगी में खुश रहें और मुझे भी खुश रहने दें। खुश रहूं मैं? मेरी जिंदगी बर्बाद करने के बाद मुझे कहती हो कि मैं खुश रहूं? छोड़ दिया है इसने मुझे, तलाक दे दिया तुम्हारी वजह से। भाई ये भाई भाई के क्या ड्रामे है, बस कर जाओ अब। मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम दोनों इसमें बराबर के शरीकदार हो। तुम्हारी इन्हीं बातों ने ना तुम्हें बर्बाद कर दिया, अब समझ जाओ, अभी भी वक्त है। क्या हो रहा है यहाँ पर? तुम्हें क्या लगता है कि तुम दोनों का रास्ता साफ हो गया? केस करने वाली हूँ मैं तुम पे, पता है तुम्हें? किस बात पर केस करूँगी? सौ बहाने हैं मेरे पास, कोई एक तो जाके निशाने पे लगेगा। मेरी जिंदगी इन्हीं झूठ और बहानों पर गुजरी है और आइंदा भी ऐसे ही गुजरेगी। ये तो वक्त बताएगा कि किसकी जिंदगी कितनी खराब गुजरती। मैं पूछ रहा हूँ क्या हो रहा है यहाँ? बाबा वो मैंने मना किया था ना तुम्हें दरवाजा खोलने से, क्यों खोला दरवाजा? बाबा वो शिजा, अरे भाड़ में गई शिजा और साथ में तुम भी, चलो निकलो यहाँ से। बाबा प्लीज बासित भाई को कुछ मत कहें, यही तो मेरा एक सहारा थे वहाँ, इन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है। दे दिया ना साथ, अब ठीक है, अब ये अपने घर आ गई है बाप के पास, चल यहाँ से चल। बाबा प्लीज बासित भाई को कुछ मत कहें, बासित भाई आप प्लीज चले जाएं। मैं आज रात ही हमेशा के लिए भाई और भाभी के पास जा रहा हूँ, आखिरी बार तुमसे मिलने आया था, अपना ख्याल रख। आ रख लेगी ख्याल, अभी अपने बाप के पास है और तुम जाओ, चलो। मैं ये बात जानता हूँ कि शिजा ने निमरा को यहाँ रखने के लिए आपको पैसे दिए हैं। क्या बकवास कर रहा है, ये मेरी बेटी है, सगी बेटी, और इस जुबान दराज औरत को तो मैंने पहली दफा देखा है, इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया तूने मुझ पे। बहरहाल शिजा एक बहुत तेज लड़की, आगे भी बात नहीं आएगी। निमरा जमाने की इतनी तलखियां देखने के बाद भी अगर तुम अपना ख्याल नहीं रख पाओगी तो मुश्किल हो जाएगा जीना तुम्हारा। ख्याल
तू यहाँ क्या कर रहा है? तेरा पीछा कर रहा हूँ। घबराओ नहीं, मजाक कर रहा हूँ। मजाक है तेरा मेरा? बेसन के लड्डू देसी घी से बनाए मैंने, बासित को देना। इस सिचुएशन में बासित लड्डू नहीं खाएगा। किस सिचुएशन? तुम फिर छुपा रहे हो मुझसे कुछ? मैं कुछ भी नहीं छुपा रहा हूँ, तुम बात की खाल नहीं निकाला करो। मुझे देर हो रही है, मैं जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना, ठीक है? जो शख्स सारी जिंदगी अपनी औलाद के लिए तड़पा हो, वो अपनी बेटी पे सौदेबाजी कर सकता है? झूठ बोलकर गया है वो। आसिफ भाई कभी झूठ नहीं बोलते। वो लड़की झूठी है, फरेबी है, धोखेबाज है। सुना नहीं था तुमने? बासित ने खुद कहा था, सारी जिंदगी झूठ पे गुजरी है उसकी। बासित को गुस्सा दिलाने के लिए या अपने किसी झूठ को निभाने के लिए झूठ बोल दिया उसने? बेटा तू तो समझदार है, तूने कभी देखा है जब से तू आई है मेरे पास पैसे होते? जो कुछ मेहनत मजदूरी से कमाता हूं रोटी चूल्हे पे खर्च हो जाता है। हाँ सलीम। अच्छा यार, मैं कोशिश करता हूं आने की। सलीम ने आज पैसे देने का वादा किया था मेरे, अगर नहीं गया तो फिर मुकर जाएगा, इसलिए जाना तो जरूरी है। लेकिन आप चले जाएं। मुझे तेरी फिक्र लगी हुई है बेटा, अगर मेरी मेहनत की कमाई जाती है तो जाए भाड़ में, मैं नहीं जा रहा। नहीं नहीं, आप चले जाएं, मैं कोई भी आएगा तो दरवाजा नहीं खोलूंगा। ठीक है, अच्छी तरह बंद कर लेना अंदर से, मैं आ जाऊंगा जल्दी। कहाँ रख दिया फोन? बाहर तो नहीं रखा? ये रखा हुआ है तुमसे। हेलो। हाँ, कब वापस आ रहे हो? शाम की फ्लाइट से आ रहे हैं। अच्छा सुनो, वो बासित होगा मेरे साथ, बराबर वाला कमरा सेट कर देना उसके लिए। शिजा भी आ रही है क्या साथ? नहीं, अभी अभी नहीं आ रही है वो। फिर बाद में आ रही होगी, है ना? हाँ शायद, अपनी मर्जी की मालिक है वो। हाँ कह तो सही रहे हो, है तो वो बड़ी खुद सर। वैसे एक बात बताओ,
ये तुम बासित को जो यहाँ ले आओगे तो वहाँ तुफैल साहब का बिजनेस कौन संभालेगा? बासित से पहले तुफैल साहब अपना कारोबार खुद देखते थे ना, अब भी देख लेंगे। अच्छा कितने दिन तो अपनी बात की और फोन काट दिया। सबसे बाद में करूंगी। कहाँ गई थी, कहाँ से आ रही? निम्रा के पास गई थी। मतलब वहां से भी कुछ गलत करके आ रही हो? अगर बासित ना आता तो शायद गला दबा देती उसका। क्यों कर रही हो ये सब? क्यों कर रही हो अपने साथ ये सब कुछ? मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी उन लोगों ने और आप मुझसे सवाल करें कि मैं क्यों कर रही हूँ? बेटा तुम्हारी जिंदगी तुमने खुद खराब की है, तुम्हें किसी दुश्मन की जरूरत तो नहीं है। छोड़ दो इन लोगों का पीछा, तुम्हारी जिंदगी भी सुकून में आ जाएगी। और अगर तुमने पीछा नहीं छोड़ा ना बेटा तो मेरे साथ रहा सहा तुम्हारा रिश्ता खत्म हो जाएगा। ये याद रखना। सारे